हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुदित कुमार सिखा रहा हूँ आपको Drupal 8। और Drupal 8 में हम काम कर रहे हैं फ्रेंड्स कंटेंट टाइप पे। कंटेंट टाइप में हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मैनेज फॉर्म डिस्प्ले क्या होता है, मैनेज डिस्प्ले क्या होता है और कैसे हम एक व्यू मोड को क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम जाएंगे स्ट्रक्चर में कंटेंट टाइप, और लास्ट जो हमने कंटेंट टाइप अपना क्रिएट किया था गैलरी वाला, उसके हम मैनेज फॉर्म डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। देन ये हमारा पेज ओपन हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम में फ्रेंड्स हम अपना जो हमने कंटेंट क्रिएट किया था कंटेंट टाइप, उसके लिए जो फॉर्म क्रिएट हुआ था हमारा, उसको नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा ओपन हो गया फ्रेंड्स। देखिए बेसिकली मैनेज फॉर्म डिस्प्ले करता क्या है। मैनेज फॉर्म डिस्प्ले क्या करता है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी जो आपकी एलिमेंट्स हैं, मींस जो आपकी फील्ड्स हैं, उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं इमेज को वो डिस्क्रिप्शन के बाद आए, मींस ये जो इमेज नेम लिखा हुआ है आप चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन के बाद आए, या फिर जो अपलोड इमेज है वो डिस्क्रिप्शन से पहले आए, तो उसको आप मैनेज फॉर्म डिस्प्ले से कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं फ्रेंड देख लेते हैं। हम मैनेज फॉर्म डिस्प्ले के अंदर आए और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं आपकी, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। तो हम लास्ट वाली चेंज कर लेते हैं फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन एंड अपलोड इमेज। तो हम अपलोड इमेज को पहले ले आते हैं और डिस्क्रिप्शन को बाद में कर देते हैं और उसको सेव कर देते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा सेव हो गया फ्रेंड्स। अपने फॉर्म को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पेज रिफ्रेश हो गया है और ये देखिए आप कि जो हमारी इमेज है वो हमारे डिस्क्रिप्शन से पहले आ गई है। तो ये था फ्रेंड्स फॉर्म को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, मीन्स उसकी जो फील्ड्स हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स मैनेज डिस्प्ले क्या होता है। तो मैनेज डिस्प्ले के लिए फ्रेंड्स हम अपना जो लास्ट कंटेंट क्रिएट किया था हम उसको ओपन करेंगे। तो उसको ओपन करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास कोई यूआरएल नहीं है, बट हमें पता है कि वो हमारा यूआरएल है रेड रोज। तो हमने यहाँ पे रेड रोज डाल दिया फ्रेंड्स। तो ये हमारा पेज ओपन हो गया है। या फिर फ्रेंड्स अगर आपको यूआरएल नहीं पता है किसी भी पेज का और यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, आप भूल गए हैं, तो उसको देखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप जाएंगे फ्रेंड्स कंटेंट में, आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे, देन फ्रेंड्स ये पेज आएगा। एंड पेज जब ओपन होगा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट्स हैं। तो या तो आप जैसे आपने वेब फॉर्म बनाया है या कोई बेसिक पेज बनाया है, अगर आपने उसका यूआरएल नहीं दिया है कहीं पे, तो आप यहाँ से फ्रेंड्स उसको ओपन कर सकते हैं या फिर उसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से डायरेक्ट अब रेड रोज पे क्लिक करेंगे तो हमारा वही पेज ओपन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा यही पेज ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स हम मैनेज डिस्प्ले देख लेते हैं एक बार। मैनेज डिस्प्ले क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो आपकी इमेज के बाद आए, या फिर आपकी जो इमेज का जो लेबल है ये शो ना हो आपको, या इमेज का साइज छोटा हो जाए, या फिर इस पे हम क्लिक करें तो इमेज हमारी ओपन हो जाए, सिर्फ हमारी इमेज ओपन हो, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप करना चाहते हैं कुछ तो आप मैनेज डिस्प्ले से कर सकते हैं। तो वो देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे करना है। हम अपने मैनेज डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा पेज ओपन हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और अपलोड इमेज है। तो अगर हम करेंगे फ्रेंड्स इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमारी डिस्क्रिप्शन बाद में आएगी इमेज से। तो एक बार हम सेव करके देख लेते हैं फ्रेंड्स इसको। ये हमारा सेव हो गया है। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा पेज रिफ्रेश हो गया है। तो डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये नीचे आ गई है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम ये लेबल भी हटा सकते हैं इमेज का, वो देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे होता है। देखिए यहाँ पे अबव आ रहा है, इसको हम फ्रेंड्स हिडन कर देंगे। और इमेज का अगर हमें साइज छोटा करना है, देखिए यहाँ पे एक बटन है, इसकी सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स यहाँ पे ओरिजिनल इमेज आ रहा है, हम इसको फ्रेंड्स यहाँ पे जो साइज आ रहे हैं हम इसका साइज मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं इस पे लिंक लगाना फ्रेंड्स, तो हम इसकी फाइल पे लिंक भी लगा सकते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं फ्रेंड्स और इसको सेव कर दीजिए। ये हमारा सेव हो गया फ्रेंड्स। एंड इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका साइज छोटा हो गया है और ये जो हमारा कंटेंट है वो राइट साइड में आ गया। बट कहने का मतलब यही है कि इमेज छोटी हो गई है तो इसलिए हमें कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो हमारी इमेज बड़ी हो गई है, ओपन हो गई है फ्रेंड्स। तो इसको बैक कर देते हैं हम। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स मैनेज फॉर्म
मतलब मींस हम मैनेज डिस्प्ले भी अरेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरह से अपने पेज को दिखाना है, कंटेंट को किस तरह से दिखाना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने मैनेज फॉर्म डिस्प्ले देख लिया है और मैनेज डिस्प्ले देख लिया है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हम खुद का अपना डिस्प्ले कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स उसको कहते हैं हम व्यू मोड, तो वो देख लेते हैं फ्रेंड हम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मैनेज डिस्प्ले जो है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिफॉल्ट और टीजर। तो इसको फ्रेंड्स हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखिए कस्टम डिस्प्ले सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ डिफॉल्टेड है, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। पहले जैसे मैं फुल कंटेंट पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स, और मैं इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा सेव हो गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा डिफॉल्टेड है, तो अब डिफॉल्टेड में हमारा क्या है, हमारी इमेज अब ऊपर आती है और डिस्क्रिप्शन नीचे आती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फुल कंटेंट में, हमने फुल कंटेंट पे फ्रेंड्स क्लिक किया, देन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऊपर है और इमेज हमारी नीचे है, और यहाँ पे क्या है हमारा, हमारा यहाँ पे देखिए आप कि हमारी जो इमेज है वो ऊपर है और डिस्क्रिप्शन नीचे है। तो फ्रेंड्स अगर हम चाहते हैं कि सेम ये इसकी तरह हो जाए, डिफॉल्टेड की तरह हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी आप कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अब हमारी डिस्क्रिप्शन ऊपर आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमने फुल कंटेंट को यूज़ किया हुआ है। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऊपर आ रही है और इमेज हमारी नीचे आ रही है। बेसिकली फ्रेंड्स ये क्यों हुआ ऐसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो फुल कंटेंट अभी सिलेक्टेड है उसमें हमारी डिस्क्रिप्शन ऊपर है और इमेज नीचे है। अब हम फ्रेंड डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे, तो डिफॉल्ट में फ्रेंड्स हमारी इमेज ऊपर है और डिस्क्रिप्शन नीचे है। ये इस वजह से हुआ फ्रेंड्स कि जो आपने ये सेलेक्ट किया है फुल कंटेंट, तो जो भी हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे बेसिकली डिफॉल्टेड सेट के फुल कंटेंट पे आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपना खुद का व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। उसका तरीका बता देते हैं फ्रेंड्स कैसे क्रिएट करते हैं उसको। देखिए यहाँ पे है मैनेज व्यू मोड, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट जाके क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रक्चर पे जाइए, डिस्प्ले मोड पे जाइए एंड व्यू मोड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप दोनों तरह से जा सकते हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं, हमने इस पर क्लिक किया फ्रेंड्स मैनेज व्यू मोड पे, ये हमारा एक पेज ओपन हुआ फ्रेंड्स। देखिए हमें कंटेंट के लिए क्रिएट करना है या ब्लॉक के लिए क्रिएट करना है, आप किसी के लिए भी कोई भी व्यू मोड क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें इसके लिए क्रिएट करना है कंटेंट के लिए अपने, तो हमने ऐड न्यू कंटेंट व्यू मोड पे क्लिक किया फ्रेंड्स, ये पेज ओपन हुआ और यहाँ पे उसका नाम दे देंगे हम गैलरी व्यू इस तरह से, और उसको सेव कर देंगे फ्रेंड्स। ये हमारा सेव हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा गैलरी क्रिएट हो गया, गैलरी व्यू। तो फ्रेंड्स हम जाएंगे स्ट्रक्चर पे, हम जाएंगे अपना कंटेंट टाइप पे, गैलरी पे और मैनेज डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा ये पेज ओपन हो गया फ्रेंड्स, और देखिए हमारी जो इमेज है, जो डिस्क्रिप्शन है वो पहले आ रही है और हमारा ये बाद में आ रहा है। तो देखिए अगर मैं जो हमारा ये फुल कंटेंट है इसको मैंने अनचेक किया, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, डिफॉल्टेड ले लेगा, हमारा जो डिफॉल्टेड होगा वो ले लेगा। तो अभी हमारी क्या है, फिलहाल हमने फुल कंटेंट किया हुआ था तो उसमें हमारा क्या था, डिस्क्रिप्शन ऊपर थी ठीक है एंड इमेज नीचे थी, और इसके अंदर फ्रेंड देखिए अब इमेज ऊपर है और ये डिस्क्रिप्शन नीचे है। तो इसको जैसे ही हम सेव करेंगे फ्रेंड्स और पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये सेव हो गया फ्रेंड्स, को इस रिफ्रेश करके देख लेते हैं, हमने रिफ्रेश कर लिया इसको। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी इमेज पहले आ गई और डिस्क्रिप्शन हमारी बाद में आ गई है। तो फ्रेंड्स व्यू मोड यही काम करता है कि हम अपना खुद का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, कि हमें किस पोजिशन पे कौन से चीज़ को दिखाना है, लाइक इमेज दिखानी है या फिर टाइटल दिखाना है, क्या करना है वो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।